नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आप नेता राघव चड्ढा अब फाइनली मिस्टर एंड मिसेस बन गए हैं। शादी के लिए सभी वीवीआईपी गेस्ट उदयपुर पहुंचे थे। हाई सिक्योरिटी के बीच शादी हुई। सुरक्षा इंतजाम इतने कड़े थे कि कोई एक तस्वीर तक बाहर नहीं कर सका। बस मेहमानों में से कुछ ने जब कोई एक आध तस्वीर शेयर की तो अंदर की झलक देखने को मिली। सभी को इंतजार था कि देर रात तक दूल्हा दुल्हन की झलक देखने को मिल सकती है, लेकिन ना तो राघव और ना ही परिणीति किसी ने भी शादी की कोई तस्वीर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर नहीं की। शादी की झलक तो आज सुबह मिली, लेकिन इसी बीच जो एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है वो है इन दोनों के रिसेप्शन की। इसे राघव और परिणीति का रिसेप्शन लुक बाहर आ गया है। वायरल फोटो में परिणीति बेबी पिंक कलर की एक साड़ी पहने नजर आ रही है और इसके साथ उन्होंने मैचिंग पिंक चूड़ियां पहनी हुई हैं। हाथों की मेहंदी और मांग में सिंदूर परिणीति का एक फ्रेश ब्राइडल लुक फैंस खूब पसंद आ रहा है और सभी उन्हें शादी की बधाई दे रहे हैं। वहीं राघव चड्ढा ब्लैक सूट पहने हुए हैं, वो भी हमेशा की तरह काफी हैंडसम नजर आए। इसमें भी परिणीति अपने ब्राइडल लुक की तरह काफी सिंपल सोबर लुक में नजर आई। वहीं अगर बात की जाए शादी के जोड़े की तो हम सभी ने देखा कि किस तरीके से आइवरी कलर का बहुत ही खूबसूरत सा शादी का जोड़ा परिणीति चोपड़ा ने पहना था। वहीं ऑफ वाइट शेरवानी के साथ राघव चड्ढा गए थे, जहां परिणीति चोपड़ा ने एक बहुत ही ज्यादा लाइट और सूदिंग मेकअप के साथ बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी को पेयर अप किया था। तो वहीं राघव चड्ढा भी अपनी आइवरी और हम कह सकते हैं काइंड ऑफ हल्का जिसमें गोल्डन टिंट था उस पगड़ी में जच रहे थे। ये दोनों ही शादी के दिन अपने बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, इस बात में वाकई कोई शक नहीं है। जैसे ही इनके शादी के पिक्चर्स सामने आए वैसे ही वो पिक्चर्स वायरल हो गए और अब सारे फैंस इनको बेतहाशा प्यार दे रहे हैं। वही तमाम सेलिब्रिटीज भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर इनको काफी सारी बधाइयां दे रहे हैं, क्योंकि फाइनली अब इस जोड़े ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दी है। खैर, आप भी इस पर अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी अंशिका शर्मा के साथ, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ स्टेशन पर। धन्यवाद।